दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर एल्विस यादव ने बिग बॉस के साथ ही मस्ती करना शुरू कर दिया और अगर आप लाइव फीड में उनकी हरकतों को देखेंगे तो आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आज जो है एल्विस भाई काफी ज्यादा थके हुए से महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर कि उन्होंने सोने का एक नया बहाना ढूंढ लिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक काम किया कि योगा मैट गार्डन एरिया में लेकर आए और उस पर पहले तो थोड़ी देर के लिए योगा किया, दो चार योगा की एक्सरसाइज कर ली और फिर उसी योगा मैट पर यानी कि जो चटाई थी उसके ऊपर उल्टा होकर लेट गए और वो कैमरे के सामने कहने लगे कि मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेता हूँ। और इसी बहाने उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गए। लेकिन दोस्तों बिग बॉस कहाँ मानने वाले थे, लगभग 15 से 20 सेकंड ही हुए थे इतने में बिग बॉस ने घर के अंदर जोर जोर से कुकड़ुकू बजाना शुरू कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर कुकड़ुकू की आवाज आते ही एल्विस भाई ऐसे चौंक कर उठे जैसे कि मानो कुछ बवाल हो गया हो और ये सीन देखने में वाकई काफी फनी था। और यहाँ पर फुकरा इंसान ने भी एल्विस के मजे लेने शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि क्या कर रहा है तू, सो रहा था तू। और वहीं दोस्तों मनीषा रानी जो कि घर की कैप्टन है वो भी तुरंत ही भागी भागी गई और देखने लगी कि आखिर ये कांड सुबह सुबह उनकी कप्तानी में किसने कर दिया। और बाहर जाकर जब पता लगा कि अपने ही दोस्तों ने घर का नियम तोड़ दिया तो फिर वो भी हंसने लगी। कुल मिलाकर सीन देखने में वाकई काफी फनी था। फिलहाल कैसी लगी आपको एल्विस की ये मस्ती, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।